सब्सक्राइब कर दियंतु आम YouTube चैनल डिस्कवर मोर 1995 को और प्रेस कर दियंतु बेल आइकन सबठारु प्रथमे आम वीडियो को देखिबा पई। सो व्हाट इज अप गाइस, दिस इज प्रसाद। आमे आज डिस्कशन करिबा एक्टिविटी नंबर 3। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्रीवियसली आमे जहां पढ़ीथिले इंपोर्टेंट रूल नंबर 11 टू 16 ता उपरे बेस करके हमर एक्टिविटी नंबर 3 आज आमे डिस्कशन करबा एवं एक्टिविटी 4 आमे आज ए वीडियो रे डिस्कशन करनोबा जोतरे की फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड पर्यंत जहां भी आमे 16 टी पॉइंट पढ़ीथिले दीज सेही क्वेश्चंस को बेस करके एक्टिविटी नंबर 4 हमर बिल्डिछ। तो वर्तमान एक्टिविटी 3 डिस्कशन करबा, नेक्स्ट विल सी एक्टिविटी नंबर 4। So question is, rewrite the sentences choosing the correct alternatives given in the brackets. So first question is, what he says about me, do or does not affect me. तो आमों को do एवं does भी तोरो गोटे choose करिबा को पड़ेगा। तो एठे हमें गोटे पढ़ी थी ले जे point number 11 रे, जेतो लोग गोटे sentence रो subject clause ही था है। भर्व कौन थी सब सिंगुलर भर्व ही आमर पुट हब। देखो व्हाट ही सेज अबाउट मी इज ए क्लॉज, तो सेंटेंस रा सब्जेक्ट जेते बले क्लॉज थी भर्व सब सिंगुलर भर्व ही पुट हब। नेक्स्ट देखिबा नेदर, ओके नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 3, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स लाइक और लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। देखो जेतेबेले आमे पढ़ीथिले एज वेल एज इन एडिशन टू टुगेदर विथ, एज वेल एज इन एडिशन टू टुगेदर विथ थिबो भर्ब सबबेले एग्री करिवो कहा सहित ना फास्ट वर्ड सहित। तो एडी एज वेल एज अछि तो फास्ट वर्ड कोन राम, राम होची सिंगुलर एवं थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर थिले भर्ब रे आमे एस किंबा एस रो प्रयोग करिबा। तो लाइक सब राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स likes to play football. Next, so देखियो हमें neither rose nor jasmine was or were available in the market. तो पढ़ी थी बामें neither nor either or not only but also थी बो तले verb agree करी बो कहाँ सी तो ना second subject सही तो agree करी बो। तो ये ठीक second subject कौन सी, rose तो उची first subject, second subject jasmine, jasmine हो ची singular, तो आमे इटी सिंगुलर भर्ब वाज आमे पुट करिबा। नेक्स्ट ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स वेयर और वाज लाइंग ऑन द बेड, आमे पढ़थिले जदि स्पेक्टेकल्स खाली थिबो ताले प्लुरल, जेतेबेले ए पेयर ऑफ सीजर्स थिबो सेतेबेले सिंगुलर पुट हबो। एटी थोर देखिनियो जेतेबेले सीजर्स ट्राउजर्स स्पेक्टेकल्स थिबो सबले प्लुरल सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू पुट प्लुरल भर्ब। बट जेतेबेले ए पेयर ऑफ सीजर्स, ए पेयर ऑफ शूज, ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स थिबो तो सबले सिंगुलर सब्जेक्ट पुट हबो एवं ता अकॉर्डिंगली हमकु सिंगुलर भर्ब पुट करिया पड़िबो। तो ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स सिंगुलर, तो हम एटी सिंगुलर भर्ब पुट करिबा। नेक्स्ट आसिला द रिच, तो बोले हम एटी देखो द रिच डेस इन ए एफ्लुएंस, तो आमर ई पॉइंट अच्छी। देखो द रिच आम पढ़ीथिले जेतेबेले गोटे एडजेक्टिव, गोटे एडजेक्टिव सब्जेक्ट हिसाब रे आमर कैलकुलेट हुए, जिमिति कि द रिच आम पढ़ीथिले एडी द रिच द पुअर ए सब क्षेत्र रे बा एडजेक्टिव जेतेबेले गोटे नाउन हिसाब रे काम करे भर्ब फण बा सबबेले प्लुरल भर्ब यूज हबो। तो ए द रिच जदि थर्ड पर्सन जदि सिंगुलर थांता लिव्स व्यवहार करथांते, जेतु प्लुरल अछि आमे लिव रो व्यवहार करिबा। The Canterbury Tales was or were written by Chaucer. Okay, Chaucer. तो written by means इरा गोटे book रो ही ना ही थी बो। Okay, तो book ही थी बो, तो book रो ना जहतु गोटी book रो ना से plural भले लागिले भी जहतु गोटी book रो ना इठे हमें पढ़ुचे तो singular, तो हमें singular भार बैठे हमें पढ़ करीबा। Next we'll see 6 weeks are or is a long vacation for students. आमे पढ़ी थी ले इधर amount, time, distance ये बड़ी भावर था है। से plural बढ़िया लगी ले भी ताकु गोटे हमें single unit हिसाब रे count करीबा। अब हम जेतु singular unit हिसाब रे count करुचे
देन वी हैव टू पुट सिंगुलर वर्ब द इज लगिबो 6 वीक्स इज अ लॉन्ग वेकेशन फॉर स्टूडेंट्स तापर देखिबा योर ट्राउजर्स हम पढ़ीतिले स्पेक्टेकल्स ट्राउजर्स ओके नेक्स्ट पढ़ीतिले हम सीजर्स ए सब जतले थिबो सबले हम सिंगुलर वर्ब पुट करिबा नेक्स्ट आई एम यंग एंड स्ट्रांग एम नॉट हबो ना आर नॉट हबो तो आई एम यंग एंड स्ट्रांग तो इथि आर नॉट व्यवहार हबो नेक्स्ट इट इज यू हु हैज और हैव इंसल्टेड मी कोन कहितला जतले रिलेटिव क्लॉज थिला सबले रिलेटिव प्रोनाउन होचि हु रिलेटिव प्रोनाउन पूर्वर कोन अछि यू तो यू सहित मैच हबो हमर हैव तो इट इज यू हु हैव इंसल्टेड मी सो आई होप समस्त हमर क्लियर हेथिबे एक्टिविटी नंबर 3 नाउ वी विल सी एक्टिविटी नंबर 4 So now we will see activity number 4. So choose the correct expression from the brackets and rewrite the sentence. अर्थात bracket भीतर हमको दी गोटी option दे छी से option भीतर हमें सटीक वर्ड टी चूज करबा एवं तापरे we will rewrite the sentence. आउथरे sentence टी को हमें completely लिखिबा. तो हम केवल चूज कर दउ छी लिखवा काम तमरो. ओके देखो there is or are people देखो जो activity number 4 देखिबा That is based on complete important rules from number 1 to 11. So, number 16 पर्यंत तो 1 रु 16 पर्यंत जति की हमें पढितले ता ऊपर बेस करके एक्टिविटी नंबर 16 अर्थात कंप्लीट एथर तमरो हेजिबो देखो देयर इज और आर पीपल वेटिंग टू सी यू हमें पढितले आई थिंक इंपोर्टेंट रूल नंबर 1 रे कोन पढितले देयर परे जतरे सेंटेंस स्टार्ट होची देयर रे ये होची डमी सब्जेक्ट अर्थात यार वैल्यू किछि नाही तो मेन सब्जेक्ट कोन पीपल आई एम पढितले पीपल पॉलिट्री कैटल पुलिस ए सब जिनसे तरे थाए सबले हमरो प्लुरल वर्ब पुट वे तापरे नेक्स्ट देखिबा आवर्स इज और आर ए ग्रेट नेशन तो हमरो तो आवर्स इज ए ग्रेट नेशन इजंट इट ओके नेक्स्ट देखिबा द पुलिस हमें पढिले पुलिस पीपल पॉलिट्री कैटल इस क्षेत्र रे प्लुरल वर्ब यूज हबो तो ए पुलिस हैव अ डिफिकल्ट जॉब तापर ए लॉट ऑफ कैटल जतेले हमरा व्यवहार होची ए लॉट ऑफ कैटल हम पढतिले कैटल जतेले थाय कैटल ए सब पॉलिट्री कैटल ए सब प्लुरल वर्ब यूज होतला तापर ए दिटा सेंटेंस देखो ई एंड एफ एडी सबले कंफ्यूजन हबो सेतिमे कोची यू हैव टू रीड द कंप्लीट सेंटेंस देखो The youth is or are not sincere. 80 dala. 80 kon dala. The youth was or were more sincere than his uncle. 80 ubhay khetra re youth ra vyavhar haichi. Kintu ubhay khetra re youth ra jo mano ba youth ra jo meaning that is different in each of the sentence. Dekho. The youth not so sincere. 80 jo youth vyavhar hala. 80 jo youth व्यवहार हला ये गोटे कम्युनिटी बा गोटे क्लास सब रे व्यवहार ले जते हम पढतिले द रिच जतेले बा एडजेक्टिव ता गोटे नाउन ही सब रे टी व्यवहार होउची यूथ अर्थात युव समाज को बुझौची तो एठी लागिबो प्लुरल द यूथ आर नॉट सिंसियर बट एठ देखो द यूथ वास और वेयर मोर सिंसियर देन हिज अंकल अर्थात एठी यूथ गोटे युव व्यक्ति को बुझौची काने युव व्यक्ति रा मोर सिंसियर देन हिज अंकल तो एठी गोटे व्यक्ति विशेष को बुझौची सेति पय हम एठी सिंगुलर यूज करबा एठी यूथ गोटे क्लास को बुझौचें ते हम पढिले द पुअर द रिच द यूथ इतो ये गोटे गोष्ठी को बुझौची सेति पय हम प्लुरल वर्ब व्यवहार करबा एठी गोटे युव व्यक्ति को बुझौची दैट से यूज सिंगुलर वर्ब नेक्स्ट इल न्यूज ट्रैवल्स फास्ट तो इल न्यूज अर्थात गोटे न्यूज न्यूज टाइम पढिले न्यूज फर्नीचर लगेज ए सब जिनस पढ़ी जोटा कि हमारा सिंगुलर भाव में व्यवहार हुए पढ़ते मिजल्स मंथ्स ए सब हमारा सिंगुलर हिसाब से व्यवहार हुए बैक्टीरिया ऑफ हार्मफुल काइंड कौन हम कज मैंने कजेस बैक्टीरिया ऑफ हार्मफुल काइंड कजेस डिजीज तापर देर देर अच्छी देर तो हम डमी सब्जेक्ट डमी अर्थात मुझे डमी हूँ जोटा कि नॉट रियल रियल नुह सब्जेक्ट ओके तो सेम वाले क्षेत्र रे ए हमें देखिबा रियल सब्जेक्ट कोन ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स हम पढतले स्पेक्टेकल्स सीजर्स ए थिले प्लुरल वर्ब ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स थिले सब बढ़िए
सिंगुलर पुट हबो सो देयर इज ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स ऑन दैट सेल तो आई होप समस्त न क्लियर हे जेतिबो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो आउ जदि वीडियो भल लाइक थे लाइक करो कमेंट करो आउ थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टेक केयर एंड बाय बाय या छोड़ा मध्य तमे जेते एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर परबो दैट विल बी यूजफुल टू यू टेस्ट पर हो गाइड हो जे कोनोसी बा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो तार क्वेश्चन गुड़क भलो भाव डिस्कशन करो बट दिस इज द बेस्ट एतिकी जदि जने पढ़ी देछि ही और सी कैन आंसर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल इन एनी बुक दैट फॉर श्योर सो थैंक यू सो मच